Assalamualaikum everyone, मेरा नाम सनारी शीत है और इंशाल्लाह आज से हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन का पढ़ना शुरू करेंगे। अलनाफे का हम बीटा ट्रैक पढ़ेंगे। चूँकि आप पहले भी अलनाफे के पुराने ट्रैक्स को जानते हैं, तो बीटा ट्रैक जो है उसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जो आप पाइथन सीखने के लिए अपनी इमारत खड़ी कर रहे हैं माशाल्लाह से, ये उसका थोड़ा सा एडवांस ब्रिक उसके ऊपर आ रही है, ताकि आप इंशाल्लाह पूरी अपनी इमारत खड़ी कर सकें पाइथन को सीखते हुए। थोड़ी एक आपसे गुजारिश है कि मेरा चूंकि पहले तो एक्सपीरियंस पढ़ाने का रह चुका है, तो स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस इंट्रेक्शन रहती है, तो बंदा जान जाता है कि उसको समझ आ रही है, उसका कोई क्वेश्चन हो तो वहीं पर उसको आंसर कर लेता है। लेकिन वीडियो ट्यूटोरियल ये मेरा चूंकि पहला एक्सपीरियंस है, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही रहेगा और जो मैं जानती हूँ, जो मैंने सीखा है अल्लाह की तौफीक से, वो मैं आगे आप लोगों को डिलीवर कर सकूँ। लेकिन कहीं पर आप लोगों को लगे कोई चीज़ को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, कोई मशवरा या कुछ हो, अपनी आराम से ज़रूर आगा कीजिएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। क्योंकि ये जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है, ये वन साइडेड नहीं होता, ये टू साइडेड होता है। तो जो आप लोगों से मुझे कमेंट्स मिलेंगे, आप लोग अपने व्यूज़ शेयर करेंगे, तो वो मुझे इम्प्रूव करने में हेल्प रहेगा, ताकि फ्यूचर के जो मैं इंशाल्लाह कोर्सेज बनाऊँगी तो वो मैं उनको उसमें उसका ख्याल कर लूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप मुझे अपने आराम से ज़रूर आगा करेंगे और मैं अपनी गलतियों को भी सुधारूंगी इंशाल्लाह। और चलिए इंशाल्लाह अब शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर हम अपने पाइथन बीटा ट्रैक। इंट्रोडक्शन टू पाइथन अलनाफे का कोर्स है, जिसमें हम बीटा ट्रैक को कवर कर रहे हैं, जिसके तीन चार मेजर पार्ट्स हैं। उन चार मेजर पार्ट्स को जो है अगर मैं रीनेम करूँ, तो पहला पार्ट हम जो कवर कर रहे हैं वो ज़्यादातर है बेसिक इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। इसके ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप पहले कवर कर चुके होंगे पिछले ट्रैक्स में, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस आ जाता है। यहाँ पर हम एरर हैंडलिंग पढ़ लेंगे कि अक्सर होता है कि आप जब कोड लिख रहे हैं आपने गलत इनपुट दे दिए, तो बजाय इसके कि वो पूरा आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए और वो एंड पर एक एरर दे रहा हो, आप वहीं पर ना एरर्स को थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं कि अगर गलत इनपुट वैल्यू आ गई है तो आप उस वैल्यू को ऐसे उसे रिप्लेस कर दो ताकि बाकी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम वो पढ़ेंगे पार्ट वन के अंदर, उसको देखेंगे कैसे डील करते हैं। पार्ट वन के अंदर लूप, फंक्शनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस वगैरह हैं, फाइल को रीड करना उसके बारे में, रीड इन रीड आउट, तो हम वो सारा सब कुछ कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन जो पार्ट वन है इसका। पार्ट टू के ऊपर जो फोकस है वो उसके ज़्यादातर मॉड्यूल्स के ऊपर है कि अगर हम कोई इस तरह की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जो कि ईमेल सेंड कर रही हो या रिसीव कर रही हो, तो हम इसके उसके थोड़े से प्रोटोकॉल्स देखेंगे कि ईमेल एसएमटीपी की लिप्स जो हैं उनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, कॉन्फ़िग पार्सर, ओएस मॉड्यूल्स, तो हम उसके बिल्ड इन मॉड्यूल्स को देखेंगे। जो थर्ड पार्ट है इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अक्सर होता है कि आप जब एप्लीकेशन बना लेते हैं तो आप उसको लाइव करने से पहले उसकी पूरी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, आप बहुत सारे टेस्ट केसेस देखते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि आपकी एप्लीकेशन कभी क्रैश नहीं होगी। अगर क्रैश होती है तो वो यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है। एक दफ़ा यूज़र अगर आपकी साइट के ऊपर आया और उसने कोई इस तरह का एरर फेस किया, बार बार आपकी साइट क्रैश हो रही है, तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो इस तरह की जो टेस्टिंग टेस्ट केसेस लिखी जाती है तो वो हम इस पार्ट थ्री में उसको देखेंगे, और इसी के अंदर हम डिबगिंग का भी देखेंगे, क्योंकि जब हम बहुत सारे नंबर लाइन ऑफ कोड्स लिख लेते हैं, अब हमें जब उसकी उसमें कोई एरर आ जाए तो हमें उसको डिबग करना पड़ता है, क्योंकि अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप हर एक लाइन को पढ़ पढ़ के देख कर समझ रहे हो और उसको ठीक करें, तो डिबगर हमें वहाँ पर हेल्प करते हैं। तो हम उसमें देखेंगे कि हम पाइथन के कोर्स को डिबग वगैरह कैसे कर सकते हैं। जो फोर्थ मॉड्यूल है वो है मॉड्यूल इंस्टॉलेशन की। इसके अंदर ऐसा है कि हम वो देखें जो पाइथन है, पाइथन बहुत इनरिच लैंग्वेज है, इसके अंदर आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स मशीन लर्निंग के मिलेंगे, जो कि आपको सिर्फ ज़रूरत है उसको इंस्टॉल करने की और उसके प्रॉपर बैकएंड के ऊपर थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करने की। मशीन लर्निंग के अलावा अगर आप इसको देखें API कॉल्स के लिए, तो API कॉल की कॉन्फ़िगरेशन, API पार्सर बनाना, तो उसके बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम फोर्थ पार्ट के अंदर हम उन देखेंगे कि हम उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, ताकि हम इजीली उसके ऊपर काम करके अपने प्रोग्राम और अपनी एप्लीकेशन वगैरह बना सकें।
तो ये था हमारे ये है हमारे पाइथन बीटा ट्रैक का इंट्रोडक्शन।